जय हिंद दोस्तों, UDCRM में आपका स्वागत है। अभी हम बात करेंगे ECS स्विट्जरलैंड T10 का, जो आज के दिन का फोर्थ मैच खेला जाएगा, उस मैच के बारे में। ये मैच खेला जाएगा आपके वेटिंगटन और पावर सीसी के बीच में। दोनों टीम की बात करें, दोनों टीमों में काफ़ी अच्छे अच्छे बड़े बड़े नाम मौजूद हैं। तो कौन से वो 11 प्लेयर्स होंगे जो होंगे हमारे फैंटेसी की टीम में, उसके बारे में आपको डिटेल्स बताया जाएगा इस वीडियो में। पूरा वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, स्किप मत करना। स्किप करोगे आप बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिस कर जाओगे, इसलिए स्किप मत करना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ये वाला जो आइकन है, सब्सक्राइब का बटन है, इस पर आपको क्लिक करना है और नोटिफिकेशन को आपको ऑल कर देना है और वीडियो को एक लाइक कर देना है। तो सबसे पहले तो आप ये कर लीजिए। उसके बाद आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, आपको पहला जो लिंक मिलेगा ना दोस्तों, इस वाले लिंक को जो मैं मार्क कर रहा हूँ, देखिए ध्यान से, इस वाले लिंक पे टैप करना है और हमारे टेलीग्राम चैनल जो कि है @UDCRA, एक सेकंड, हाँ, तो ये दोस्तों ये है हमारा टेलीग्राम का पेज। आपको इस वाले लिंक पर क्लिक करना है, इस वाले, और हमारे टेलीग्राम चैनल पर आ जाना है डायरेक्टली और आके इस पर ज्वाइन कर लेना है। यहाँ पर जो ब्रॉडकास्ट का बटन आप दिख रहे हैं, और नीचे जो ब्रॉडकास्ट लिखा हुआ आ रहा है, ठीक इसी जगह पर आपको ज्वाइन का बटन दिख रहा होगा, है ना। तो आपको ज्वाइन हो जाना है हमारे टेलीग्राम चैनल से, क्योंकि टॉस के बाद जो फाइनल टीम आएगी, फाइनल अपडेट्स आएंगी ना, वो आएंगी सिर्फ और सिर्फ हमारे टेलीग्राम चैनल पर। अगर प्लेइंग 11 में कुछ भी चेंजेस हुआ, लाइनअप्स में कुछ भी चेंजेस हुआ और फाइनल टीम में हमें कुछ भी अपडेट करना पड़ा, तो आपको टेलीग्राम पे सब कुछ बताया जाएगा सबसे पहले। तो टेलीग्राम से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। तो बात करते हैं आगे मैच की। तो चलिए बात करते हैं अभी इस मैच की। तो पहले तो मैच पर चलते हैं, क्रिएट टीम पर जाएंगे, उसके बाद पहले फ़िल्टर लगाएंगे हम वेटिंगटन की टीम के ऊपर। यहाँ से आपको डायरेक्टली एम अख्तर को ले लेना है। ये इनको आपको ड्रॉप करके चलना है। एम अख्तर आपके लिए एज ए सेफ, मतलब व्हाट कैन आई से, एज ए डिफरेंशियल, एज ए रिस्की सी और बीसी के काफ़ी अच्छे ऑप्शन बन जाएंगे। ग्रैंड लीग के तो आपको इनको कैप्टन बनाना ही बनाना है दोस्तों। मेरे स्मॉल लीग की टीम में इनकी जगह पक्का बन जाएगी। बैटिंग की बात करें, आप यहाँ से कोई एक अच्छा ऑप्शन है नहीं। आप चाहो तो यहाँ से क्यू सरफराज को ले सकते हो, पर इसके अच्छा आप किसी को ना लो, आप दूसरी टीम के जो बैट्समैन है उसको प्रेफर कर सकते हो। यहाँ से आपको खेलते हुए दिख जाएंगे ये दोनों। ये शायद आज के मैच खेलेंगे नहीं, तो मैं इन दोनों को लूँगा, इनको मैं अभी के लिए ड्रॉप कर रहा हूँ। बॉलिंग की बात करें, इन दोनों को आपको पिक करना है, दोनों काफ़ी अच्छे फॉर्म में। एंड मनीष, इनकी बात करिए, बैटिंग और बॉलिंग दोनों से आपका पॉइंट देते हुए दिख जाएंगे, कंट्रीब्यूट कर जाएंगे। तो ये 5 प्लेयर्स हो गए इंपॉर्टेंट। अब एक प्रीव्यू देख लीजिए, ये 5 ही प्लेयर्स इंपॉर्टेंट बन जाएंगे इस टीम से। अगर बात करें दूसरी टीम की, जो कि है आपके पावर सीसी की टीम, यहाँ से आपको विकेट कीपिंग में से किसी को नहीं लेना, सबको ड्रॉप करके चलना है, अच्छे ऑप्शन है नहीं ना। बैटिंग से यहाँ पर आपको ए महमूद को पे पिक रखना है, विरिक को दोनों को टीम में रखना है दोस्तों। यहाँ से आप चाहो तो इन में से किसी एक के साथ जा सकते हो, पर मैं किसी को नहीं लूँगा दोस्तों। आप चाहो तो ए राणा के साथ जा सकते हो एज ए सेफ पिक, पर ये खेलेंगे नहीं, ये खेल नहीं रहे, पिछले 2 मैच से ये नहीं खेले। अगर ये खेलते तो शायद मैं किसी एक प्लेयर की जगह इनको रख लूँ दोस्तों। तो ओ महमूद और एस सफ़ी आपके लिए मस्ट प्लेयर बन जाएंगे। एस सफ़ी की बात करें तो ओपनिंग कर रहे हैं, ओपन कर रहे हैं आपकी टीम की तरफ से, प्लस ये 2 ओवर बॉलिंग भी कर रहे हैं, आपके लिए तो मस्ट पिक प्लेयर बन जाएंगे। यहाँ से एफ अहमद आपके लिए एक मस्ट पिक प्लेयर बन जाएंगे। तो अगर बात करें कमी क्या है इस टीम में, तो कमी की बात करें, हमको शायद एक प्लेयर लेना पड़े वेटिंगटन की टीम की जो ऑलराउंडर भूमिका निभाए, वो हो गए एन थंडरवेल दोस्तों। इन पर इनका खेलना कुछ कन्फर्म नहीं है, क्योंकि पिछला मैच खेले नहीं थे, तो इनके लिए थोड़ा रिस्क हो जाएगा आपको इनको लेना। पर जो भी हो, लाइनअप्स तो आ ही जाती है, लाइनअप्स आने के बाद आपको अगर ये नहीं खेलते आप इनको हटा देना, और अगर आप चाहो तो मेरी टीम से खेलना तो टेलीग्राम से जुड़ जाना। इनको हटा के मैं किसको किस प्लेयर को लूँगा वो लाइनअप्स अनाउंस होने के बाद ही मैं डिसाइड करूँगा ना, तो अभी तो डिसाइड नहीं कर सकते, अभी के लिए ही मेरी फाइनल टीम है। तो हमारी टीम से खेलने के लिए टेलीग्राम से जुड़ना पड़ेगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पहला लिंक है हमारा वही टेलीग्राम का लिंक है। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, एक लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना दोस्तों। बाकी सी और बी सी की बात करें,
ऐसे एस साफी मेरे कैप्टन बनेंगे, ए महमूद मेरे वाइस कैप्टन बनेंगे। आप बोलेंगे इतना रिस्क क्यों, सब तो बना रहे वो महमूद को कैप्टन, पर मैं रिस्क लेता हूँ, वो मैं रिस्क लेना पसंद करता हूँ, इसलिए मैं एस साफी को बना रहा हूँ कैप्टन। ये मेरे रिस्की प्लस सेफ कैप्टन है, क्योंकि ओपनिंग कर रहे हैं ना दोस्तों, ये ओपनिंग प्लस बैटिंग के दोनों ओपनिंग कर रहे हैं, प्लस बॉलिंग दो ओवर कर रहे हैं, रिस्की भी है सेफ भी है, तो इसलिए मैं इनको बनाऊंगा। और ए महमूद को मैं वाइस कैप्टन बनाऊंगा, ये मेरी लगभग फाइनल टीम है। बाकी इसमें कुछ भी चेंजेस आपको टेलीग्राम पर मैं अपडेट कर दूंगा, टेलीग्राम से नहीं जुड़े आपका टेलीग्राम से जाना। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलता है अगले वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।